तो नमस्कार दोस्तों, द जीबी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम आपको सबसे यूनिक चीज़ दिखाने वाले हैं कि अगर एक आदमी अगर सभी का झंडा लेकर के घूम रहा है तो वोट किसको देगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि वोट किसको देगा वो आदमी। सर पे कांग्रेस पार्टी, बगल में समाजवादी पार्टी, इधर में मायावती की पार्टी, इधर भाजपा, पीछे दिखाइए थोड़ा पीछे भी दी, और पीछे है साउंड बॉक्स, ये है आवाज़ करने वाला साउंड बॉक्स भोभा। साइकिल पे चढ़ रहे हैं, धो रहे हैं। हाँ, इसलिए कि वो कोई बेईमान हमको नहीं कहेगा। एक फौज हमको कह रहा था कि हम लोग चोर हैं। कौन चोर है? वो फौजी बोल रहा था अपने के लिए कि हम चोर हैं। अच्छा। और ये तो शरीफ है कि सबको ढो रहा है कि मतलब सबको प्रचार किसको इसमें से चुनना है। अच्छा। कौन बढ़िया है, हमको वो नेता चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा सुभाष चंद्र यादव नाम है। सुभाष चंद्र यादव जी, पहले यादव जी ऐसे मिले हैं जो बसपा का, सपा का, भाजपा का और सर पे है कांग्रेस का। कांग्रेस का है। ऐसा क्यों करते क्यों इस, आप? ऐसे लिए इसलिए कर रहे हैं कि हमको जो आप हमको रोको ना। क्यों रोके? सबसे यूनिक है आप है? सबसे यूनिक है, नया कुछ, है आप? कुछ आदमी समझेंगे कि पागल है। अच्छा। कुछ आदमी को हंस रहे हैं पागल टाइप के, कि जैसे कि पागल है। अब इतना झंडा ढोए तो आपको पागल ही कहेगा ना आदमी। कहेगा। लेकिन हम बेईमानी नहीं ना कर रहे हैं। तो बेईमानी नहीं कर रहे हैं तो एक वोट एक ही आदमी को ना दीजिएगा। वोट जिस का 3 तारीख को ना देना है। हाँ। तो 3 तारीख ये वोट बदे भेज है। अच्छा। वोट बदे भेज इधर से बनाइए भैया। मैंने तो वोट देंगे किसको आप? अगर मान लीजिए कि 4-5 झंडा ढूंढ जो मतलब कि लेकर के चल रहे हैं तो वोट देंगे किसे, किसको देंगे? अगर जो हमको 5 लाख रुपया दिया उसको देंगे कि इसको देंगे? मोदी जी। तो आप इनको 5 लाख रुपया मिला है, अब कौन पार्टी देने वाला है भैया 5 लाख रुपया? कौन देगा? कितना है आपके पास? हमको एक ही, हम अपना ही वोट, अपना ही वोट लेने के लिए, अपना ही देने के लिए हम इतना ढो रहे हैं। हम किसी को, किसी को आप हो को नहीं कह रहे हैं ना, उनको कह रहे हैं, किसी को कहीं नहीं। उनको पसंद कहाँ है? उनको कहाँ पेट भरता है वहीं पर वोट दें। हमारा उससे मतलब नहीं है कि आप कहाँ देंगे ना देंगे। हैं? अच्छा, ये एक बात ये बताइए कि आपके घर में कितने लोग हैं? हमारे घर में हम 5 हैं। 5 लोग हैं। हाँ। झंडा ढो रहे हैं 4, वोट देंगे आप केवल अकेला। ओके। एक वोट का 5 लाख रुपया ले लिए हैं। ले लिए हैं। अच्छा ये बताइए, इसमें गाना किसका बजाते हैं आप? खेसारी लाल का ज्यादा बजाते हैं। खेसारी लाल का? तो देखिए, गाना बजाएंगे खेसारी लाल का और झंडा ढोएंगे 4 पार्टियों का, और वोट किसको देंगे? वोट मोदी जी को देंगे। वोट देंगे मोदी। मोदी जी किए क्या है आपके लिए? 5 लाख बताए ना। अच्छा, 5 लाख 1000 रुपया दे रहे हैं ना। हाँ, खेत के। हाँ। और 15 दिन पर राशन दे रहे हैं। अच्छा। और वो क्या दिए हैं? एक लैपटॉप दिए हैं लड़की जो पढ़ाए 12 में, तो उन लोगों को एक लैपटॉप दिए हैं, उसके बाद से कुछ नहीं दिए हैं हमको कुछ। अच्छा, साइकिल तार बाबू जी के हम किन ले वो मैंने साइकिल साइकिल मोहल्ले लेनी का बतिया हो तुमने साइकिल किलना ना मानी पैसा दे के फ्री में मिलल भैया। इधर बात करिए आप, गोयल भैया झगड़ा मत करिए भैया से। साइकिल फ्री में मिलल भैया, किलने माने 3000 रुपया, 4000 भइल भाई बर दाम। अच्छा, 4000 में खरीदे साइकिल? हां। अच्छा छोड़िए उनका बात, पहले आप हमें ये बताइए, जैसे मान लीजिए कि मोदी जी को वोट देंगे तो मोदी जी का ये लेकर। अच्छा ये बात ठीक है, अभी हम याद किए हैं, जैसे कि मोदी जी कहत रहे कि मोदी जी छीन लेते ना वोटवा। अच्छा, जैसे एक बार हुला हुआ था पीछे। हाँ। कि मोदी जी वोट छीन लेते हैं। इधर आइए, इधर, अरे इधर आइए चाचा, इधर आइए, इधर इधर आइए। सरकार में हमका दुख बहुत हुआ है, इसके बाद घर द्वार हमको खदेड़ दिया गया है। रोइए मत, रोइए मत, आप रोते जा रहे हैं ना। रोना नहीं है आपको, एक आप यहाँ जैसे भैया से पूछे हैं तो मोदी सरकार में हमको भी इतना तकलीफ है, आके घर द्वार से निकाल दिया गया है। कैसे निकाल दिया? कौन निकाला आपको? है? कौन निकाला है बताइए? अब मोदी सरकार में कोई हमको पता नहीं है, 5 मंडा भी खेत भी है। अच्छा। घर भी है। हाँ। लड़का फेंका सब निकाल दिया है। तो लड़का निकाल दिया है ना? एक मेहरारू निकाल दिया है सब, हम तो जा रहे हैं। मेहरारू निकाल दिया आपको? हाँ, हाँ। तो मारती है क्या आपका? हाँ, बच्चे रोज कमाते हैं। मोदी जी
आखिर कमा रहे हैं, आपको दे रहे हैं, आप मार के निकाल लिए, कैसे निकाल देंगे, कैसे निकाल लिए उतना एक पैसा तो हम पूछ रहे हैं, दे रहे हो गए, ऐसा बात नहीं, ऐसा ही है, हम कुछ लेकिन जा रहे हैं गोरखपुर जाएंगे, गोरखपुर एक मिनट आप जाइएगा इधर रहिए। अरे भैया हम आपका दो महीना से दोस्तों भाग गए, लेकिन भैया नहीं भागेंगे, हम इनको अभी आज पकड़ के रखेंगे। तो सर एक बात ये और बताइए, जैसे मान लीजिए कि आपको मोदी जी ने दे दिया है 5 लाख रुपया, क्या बालक ये देखिए हमारे देश के बच्चे छोटे छोटे, अब हम लोग यहाँ वीडियो बना रहे हैं लेकिन ये आ गए बच्चे, क्या नाम है बाबू, क्या नाम है, क्या नाम बड़ी, छैला, छेदानी, क्या नाम हो, छेदानी, इस बच्ची का नाम है छेदानी, खैर इसका छोड़ते हैं। आप बताइए जैसे मान लीजिए अगर आपको 5 लाख रुपया मिला है तो ये सब झंडा ढोने का मतलब क्या है, मतलब है कि जैसे कि हम वो जो बढ़िया लगेगा वो जनता को दिखा रहे हैं, ये नहीं कि सामान दुकान किए हैं, अच्छा तो पूर में जाएंगे और पकड़ी में जाएंगे, इससे अधिकार नहीं। तो जैसे मान लीजिए कैंडिडेट यहाँ का जो संजय यादव विधायक है उनसे कभी मुलाकात हुआ है कि नहीं, ना, आपका ना। नहीं हुआ, कुछ माल पानी देता है कि नहीं विधायक, कुछ नहीं, कोई नहीं दिया है, तो बस मोदी जी ही देते हैं। और इसका जो कैंडिडेट है संजीव वर्मा, ये तो जानते ही नहीं है कि कहाँ है साले, आप इनको आइए, साले कहाँ है और ये कहाँ है और ये कहाँ है, इसको देखा है कोई, पहचानता किसी को नहीं है दोस्तों, लेकिन झंडा ढो रहे हैं सबका, और मोदी जी से मिला है इनको 5 लाख रुपया, मानी नहीं करेंगे, तो ये नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए साइकिल आपके साथ हमेशा रहते हैं तो साइकिल को दे दीजिएगा, साइकिल चल रहे हैं साइकिल पे, अगर वो तरह का किए होता तो ये नौबत नहीं जाता, अच्छा कि हम हारे, अगर आपको हम बढ़िया से देखेंगे तो फिर हमको मारेंगे, नहीं नहीं अगर ना देखो हम, हमको अला बने के 5,000 दे, 2,000 दे तो के आ ना दे किसी बन कि सार को अल ना दे। चलिए दोस्तों सबसे यूनिक दिखे इसलिए हम सोचे कि आपको दिखा दें, तब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।